subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. उनकी जिंदगी में बड़े सारे मजे मजे के किस्से हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो हम आपसे शुरू करें। चल देखते हैं भाई, क्या है आपकी जिंदगी का पहला किस्सा जो आप हमें सुनाना चाहते हैं? याद किस्सा, याद ये है आपने, अब मैं गैस करती हूँ, ऑरेंज कुर्ता पहना है रैंप पे कुछ, देखिए लड़कियां तो गिर जाती हैं, आपके साथ क्या हुआ? अच्छा मजे की चीज ये होती है वैसे मोस्टली, जब हम इसमें ये पिक्चर में था कि आपने देखा मैंने हाथ पीछे बांध के रखे हुए। हाँ। अब ये कुर्ते इतने इस तरह करें, हाथ पीछे बांधे में। हाँ। ये कुर्ता इतना लूज था, ये इतना लूज था कुर्ता कि मैं जब फ्रंट में जब गया फिर उसके बाद जाके तो मैंने इसको ना बकायदा फिर इस तरह से करके अपने हाथ से और भी बड़ी मजे की चीजें हुई है, हाथ बांधे हुए और साथ मैंने पूरा उसको पकड़ के इस तरह से होल्ड किया, फिटिंग कर दी ना, फिटिंग कर दी अपने हाथों से, इस तरह से खड़ा हो गया वो। तो बेसिकली ये आपकी यादगार शुरू के दिन की बात है। ये देखे कौन सा कुर्ता वाला था जिसने इतना ढीला कुर्ता भेज दिया, क्या फायदा ऐप्स बनाने का मॉडल क्या फायदा है ना। आइए जी आपके आते हैं। अरे बिस्मिल्लाह, छोटी छोटी सी यादें होती है, बड़ा हंसी आती है जब आप उधर दिखाओ कैमरे में, ये एक दूध का ग्लास है, इसको क्या 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 है इसकी कहानी? इसकी कहानी ये है कि एक दफा इमरान भाई को काफी ज्यादा सुस्ती थी। हाँ। अब मेरे हाथ में सुस्ती थी जी, सुस्ती थी और मेरे हाथ में एक दूध का गिलास था। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे दूध ला के दो। अच्छा। मैंने कहा मैं आपको ला के देता हूँ। हाँ। उन्होंने फिर कहा, उन्होंने फिर कहा। और आप ये अपने जो आपके हाथ में था ग्लास वो आप खुद के लिए लाए थे? हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा जा लेकर आया जल्दी। हाँ। जा। तो फिर मैंने वही गिलास था तो मैंने दूध ना उन पे यूं फेंक दिया डायरेक्ट। छोटा 8 साल छोटा भाई। हाँ, तब मैं 8th class में था। ओए ओए। और फिर मैं मुझे फिर इस तरह ना साफ करके ना इस तरह कहते तुझे मैं बताता हूँ। और घर में भी एक्टिंग कर रहे होते हैं? हाँ वो कर रहे थे, असल में वो दूध भी ना फुल स्टाइल में इस तरह गिरा। मैंने कहा, मैंने भी कहा ये लें पी लें। जब वो दूध यूं लगा उन्होंने यूं करके ऐसे किया ना, मैंने कहा मौत पक्की है। और फिर क्या किया? फिर बस भागता रहा घर में। और वो तुम्हारे पीछे भाग रहे थे जाहिर, क्या सीन होगा इमरान? तो फिर काफी ज्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। कितनी मिठाई हुई बेटा? काफी प्यार दिया। कितना बटे आप अपने बड़े भाई से? बहुत बहुत। किस किस चीज से? मैं सवाल एक्चुअली ये करती सेलिब्रिटी से, अम्मी ने किस किस औजार से पीटा? आपसे सवाल चेंज करती हूँ, इमरान अशरफ ने आपको किस किस औजार से पीटा है? एक तो मुझे उन्होंने, उनका हाथ एक तो माशाल्लाह बहुत भारी है। हाँ। और उनका एक पंच होता है ये वाला, ये और ये जब वो मारते ना कमर पे तो बंदा एक दफा कमर पे ऐसे, भाइयों की आपस में ऐसे पड़े होते। और कहते हैं कि हमारे अक्सर ज्यादातर जो होता था लड़ाई होती थी टीवी पे होगी। हाँ। टीवी के बाद पे होगी या किसी स्पोर्ट्स में, इन सब चीजों में। हाँ। उसके अलावा नहीं, लेकिन हाँ वो मेरी हरकत बहुत बुरी थी, मेरा बड़ा भाई था। तुमने कहा मैं जरा फिल्मी एक्टर। हाँ। और अच्छा दूध भी ना कुदरती, जब मैंने फेंका तो बड़ा स्लो मोशन जा रहा था उनपे, ये तो फिर कुदरत भी साथ दे रही है मार खाने में। तो ये था कि वो फिर उसके बाद काफी याद, बदकिस्मती ये थी कि फादर भी जॉब पे थे मदर भी जॉब पे थी, तो बचाने वाला भी कोई नहीं, बचाने वाला सिर्फ अल्लाह की जात थी और तो कोई नहीं था। लेकिन so, कितने फ्रैक्चर हुए, कितने टांके आए? फ्रैक्चर टांके नहीं लगे उनका, बस स्टाइल बड़ा अच्छा था कि मुंह पे तकिया रख के मुक्के मारते थे कि बस जिसको लग गए लग गई, जिस जगह लग गई लग गई। तो बस हम भी फिर उस टाइम डायलॉग मारते थे कौन कौन सी चीज किधर गली, बस हम मतलब बस बचत हो गई, बचत हो गई थी। आइडिया अच्छा है मुंह पे तकिया रख के मारना, बड़ा अच्छा है, गुस्सा भी, फ्रस्ट्रेशन गुस्सा भी निकल जाता है और अगले को चोट भी नहीं लगती, अगले का करियर भी खराब नहीं होता। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ भाई दिखाओ तुम्हारे पास क्या किस्सा है। अच्छा मैं खोलूं? ओके। इतना डर के क्यों खोल रही है? वो पहली चीज थी हॉस्टल साले निकली। हॉस्टल? क्या तुम्हारी अम्मी ने भी तुम्हें हॉस्टल बोर्डिंग हाउस भेज दिया तारे जमीन की तरह? एग्जैक्टली। आई वाज लिविंग इन लाहौर
हॉस्टल भी होती थी। और वजह क्या है, तुम खुद गई या अम्मी ने भेजा? नहीं मैं खुद गई, या घर छोड़ के गई बैग लेके, मैं जा रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ, बस जाने देना। तो हॉस्टल में मैंने बहुत शरारतें की है। रात को 10 बजे बंद हो जाता था और मुझे अक्सर लेट नाइट भूख लगती है। और कैमरास लगे हुए थे, मैंने फ्रिज पहले देखा, मैंने कहा चोरी भी कर लूंगी मैं, पर कुछ मिला ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल्स की, इनका सब एक एक कमरे से बाहर आ जाओ और हम लोग यहाँ से आज गेट टापेंगे। अरे बाप रे, फिल्मी सीन ये भी। और रियली, और मैं इस मामले में बहुत, मुझे शौक है कि गेट टापू सकती हूं। अंदर से आप बड़ी माही मुंडा है, फुल बनी है आप, मिस वर्ल्ड बनने के लिए, चलने के लिए, अंदर से एक आदमी है आपके अंदर। तो मैं, हम लोग मतलब बारी बारी चढ़ रहे थे कि कैमरे में भी नजर ना आए, क्योंकि वो कॉर्नर था तो उधर इतना कैमरा नहीं जाता, डार्क था तो पता नहीं चल रहा था कौन जा रहा है। तो मैं उतर गई, मेरे साथ दो और लड़कियां भी उतर गई, जो लास्ट वाली रह गई ना वो कोई मोटी सी थी, उसका क्या हुआ, उसने जैसे ही पाँव रखा, हम गैस वाले पाइप पे पाँव रख के जा रहे, गैस वाला पाइप टूट गया, टूट गया तो गैस लीक। हम लोग चले गए और साथ ही हमारे था हॉट एंड स्पाइसी, तो हमने वहां जाके बैठ के पिज्जा खाया, लेकिन हम सोच अब गैस वाले पाइप का क्या होगा। रात को आए, सो गए और सुबह शोर मचो कि गैस वाला पाइप पर, बल्कि हमने खुद ही शोर मचा दी जब हमने सोचा अभी लीकेज हो गई है, क्या होगा। कुछ लड़की सिगरेट भी पीती थी और हमने कहा कि अगर ये बाहर गई और सिगरेट जलाई तो हम गए तो भाजा। तो मैंने कहा यार खुद ही शोर मचाओ, हम लोगों ने खुद ही शोर मचा कि किसी लड़की ने पाइप तोड़ दिया। तो वो मामला सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन बाद में कैमरे में पता चला कि यही होगी, क्या हुआ, यही हो सकती है। उन्होंने हमारा टाइम कम कर दिया, मतलब अब जब 10 बजे थे तो अब वो हमारे पे कड़ी नजर रखते थे और ये देखते थे ये 7 बजे के बाद बाहर। फिर आपने ये हरकत रिपीट की उसके बाद? मैंने फिर दोबारा दोपहर की। मैं नहीं रह, पता चल गया उनको, मैं बंद नहीं रह सकती क्योंकि मेरे अपने घर में ऐसा नहीं है ना। मैं रात, हम लोग रात को लेट नाइट निकल जाते हैं 4 बजे। ये वाली जो चीज है ना, ये बड़ा आपको यादगार है, वो उस वक्त टीनेज, मतलब वो वीडियोस भी पड़ी हुई है अभी तक। बाप रे, जिनारा तुम क्या सुनाओगी? बर्थडे का किस्सा ये है कि मैं बहुत पजेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब, व्हेन आई वाज 3 और 4, नहीं खैर ज़्यादा ही होंगी, तो उस वक्त ना बाबा ने एक वो जो बैकड्रॉप होता था थर्मापोल का, जिसपे हैप्पी बर्थडे ग्लिटर से लिखा हुआ होता था, तो वो मेरे बर्थडे में आ गया था, क्योंकि मैंने बहुत ख्वाहिश की थी कि मुझे मल्टी कलर्स बहुत पसंद है तो मुझे वो चाहिए। हाँ, जो स्प्रे नहीं हुआ होता उससे अच्छा लगी होती। एग्जैक्टली, ग्लिटर वगैरह मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। तो फिर मैंने अपनी कज़न की बर्थडे में जाके जब देखा, उसने अपनी बर्थडे की पिक्चर्स मुझे दिखाई कि देखो देखो पिक्चर्स, ये है मेरी बर्थडे की, तो उसमें वही बैकड्रॉप मैंने देखा कि इसके पिक्चर्स में। और मैंने कहा, क्या मैं कहा जाओ तुम जरा किसी काम से बाहर, या कोई तुम्हें बुला रहा है, माँ बुला रही, बिकॉज वो दावत हो रही थी ननिहाल में। मैंने क्या किया, जल्दी से उसकी पिक्चर्स फाड़ी कि मेरी पिक्चर्स में था या मेरी बर्थडे के बैकड्रॉप में था, तो मतलब इसके पास कैसे। मैंने पिक्चर्स फाड़ दी और पीछे उसके बैकयार्ड में फेंक दी, उसके बेडरूम की विंडो से। अब वो आई, वो कह रही मेरी पिक्चर्स में, क्या मुझे क्या पता। अब मामा को पता था कि ये शुरू से ऐसी है, बहुत मामा को, वो रोते रोते गई वहाँ पे टीवी लाउंज, उसने बोला खाला मेरी जो है वो पिक्चर्स पता नहीं कहाँ है। मामा समझ गई, मामा ने कान पकड़ा, लेके गई वहाँ गार्डन में, उन्होंने कहा, उन्होंने देख लिया वहाँ पे। थैंक गॉड मैंने वो इतने सारे पीसेस नहीं किए थे, उन्होंने मुझसे पूरी एल्बम टेप लगवा के पजल्स बने हुए थे वो, और वो जुड़वाई और मारा है सब। जिंदगी का पहला पजल जोड़ा, जिंदगी का पहला पजल जोड़ा। कम हुई अभी कुछ या नहीं है, या अभी भी होता है थोड़ी थोड़ी चीजें। बस कंपैरिजंस नहीं करने चाहिए पेरेंट्स को, मैं कहती हूँ। ऑल्सो मतलब मैं कहती हूँ जो चीज मेरी है बस वो मेरी है। कपड़ों में भी मैं ऐसी हूँ, मेरी छोटी बहन दूर में आगे वो देख रही हो तो उससे भी यही लड़ाई हो रही है। कपड़ों में लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, कहती है मेरे, मैंने कहा मेरे कपड़े तुम क्यों पहन लेती हो, कहती है आप इतने सारे कपड़े तो ले लेती हो। मैंने कहा मेरे कपड़े नहीं पहनो, कुछ और कुछ भी चाहिए ले लो, नए दिला देती हूँ, लेकिन मेरे नहीं कपड़े नहीं दे सकती किसी। सारी एयरपोर्ट पर जाते हुए मुझे कह के गई, मैंने कह रही है आप खुश हो जाए, मैं जा रही हूँ, आपके कपड़े कोई नहीं शेयर करे।